हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटा पर। मैं सुफ्रेन, आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पर लोअर पीसी एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र टोस सीरीज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है दोस्तों। और अब तक हमने कई सारे प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। डेली दो प्रैक्टिस सेट करते हैं, एक सामान्य हिंदी का और एक सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान का आज सुबह हो चुका है और इसके बाद रात 8 बजे आपका सामान्य हिंदी का मिलने वाला है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, चिंता करने की कोई बात नहीं। अब तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं सभी के चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग चैनल पर जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं और रात 8 बजे हमारे साथ जुड़ के सामान्य हिंदी का कर सकते हैं और सुबह 10 बजे सामान्य ज्ञान का आपको मिलेगा। खैर, यहाँ पर शाम 4 बजे कल से स्टार्ट किया है हिंदी का। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे वर्णमाला हुआ, समास हुआ, संधि हुआ, ऐसे बहुत सारे चैप्टर जो आप लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि सर इस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आइए, तो मैंने कल वर्णमाला का टॉप क्वेश्चन करवा दिए थे। जो वर्णमाला चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज मैं लेके आया आपके लिए हिंदी भाषा एवं बोलियों के टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमारे साथ जुड़ के आप लोग तैयारी कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आज रात 8 बजे आपको समान हिंदी का प्रैक्टिस मिलने वाला है। तब तक के लिए आप बाकी प्रैक्टिस देख सकते हैं चैनल पर जाके। 3 से 4 प्रैक्टिस हो चुके हैं समान हिंदी के और 2 प्रैक्टिस समान ज्ञान के हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने एल्बो पब्लिकेशन का लास्ट डेट प्रिपरेशन नोट्स नहीं खरीदा है लोअर पीजी एग्जाम वाले, तो आप लोग जल्दी से खरीद लीजिए, वरना ये नोट्स अब 70 रुपीज की बिकेगी दोस्तों। इस नोट्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, इसकी कीमत मात्र 35 रुपए है और इसकी पेजेस की संख्या है 675। जी हाँ, ये अंतिम दिनों में तैयारी करने के लिए नोट्स तैयार किए गए हैं बेस्ट टीचर्स एक्सपर्ट के द्वारा। इसमें खास बात यह है कि इसमें 4000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन एनालाइज करके डाला गया है। इनको आप रट लेंगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से आपके फंसने वाले हैं। इतना नहीं, मैथ रीजनिंग के सोल्यूशन के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक मिल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, उसके साथ साथ 23 मॉक टेस्ट मिल रहा है। और एक खास बात और, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो चिंता करने कोई बात नहीं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए गए हैं, तो निश्चित तौर पर इस बुक को आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। लिंक इस बुक का डिस्क्रिप्शन में है। मैं हाईली अपने छात्रों को रिकमेंड करता हूं जो हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं, इस नोट्स को जरूर परचेस करें 35 रुपीज के लिए। बिल्कुल संकोच न करें लोअर पीसी जैसे एग्जाम के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए अभी इस बुक को खरीदिए और अपने तैयारी को अंतिम दिशा दीजिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए बुक को खरीद लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन का आप लोग आंसर करते रहिएगा। टॉप 40 क्वेश्चन लाए के आए हिंदी भाषा एवं बोलियों से। आप लोग 1 by 1 करके सभी क्वेश्चन का आंसर देते रहेंगे कमेंट बॉक्स में। वीडियो के एंड में बताना कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दे दीजिए फटाफट। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है बताना है, ठीक है, फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोगों को आंसर करना है और उसके बाद बताना है कि 40 में कितना सही गया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों, अवधि जो है दोस्तों ये आपके पश्चिमी हिंदी की नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है। देखो आप सभी लोग स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा कीजिए, जल्दबाजी में क्वेश्चन बिल्कुल आंसर न किया करें, ऐसे ही आप लोग एग्जाम में गलत आंसर कराएंगे। ऊपर पूछा गया था हिंदी की नहीं है, यहाँ पूछा रहा है कौन सी बोली की है, तो आप लोग ध्यान से देखिए हैं और नहीं में बहुत सारे क्वेश्चन गलत कराते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, बघेली। इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है, बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, देखिए हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ है, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ है सभी छात्र बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही दोस्तों, 1000 ईस्वी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, सभी को आंसर फटाफट सही दे देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, और दोस्तों आज के लाइक का एम सिर्फ 500 लाइक का एम रखा जा रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग अगर इस सेशन को पसंद करते हैं, आप लोग ज़्यादा ही लाइक करते हैं, लेकिन बस मैं एक आपके लिए एक छोटा सा एम बना देता हूं ताकि आप लोग सपोर्ट करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और हमारे साथ जुड़कर तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर काफ़ी लोगों ने दिया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, देवनागरी। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चारों स्टेटमेंट पढ़ें और बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी से, ये दो भाषाओं में परस्पर बोध गम्यता होती है, ठीक है, बोध गम्यता होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर सभी लोग देंगे। और अगर इस क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे दिया होगा, उसको ज्वाइन कर लें, वहां आपको एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह भी मिलते रहेंगे, साथ साथ आपको हर सेशन का पीडीएफ फाइल भी मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहारी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमानतः कितनी होगी, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए और चार ऑप्शन दिया जाए कि हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमानतः कितनी होगी, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर फटाफट दे दीजिए, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, लगभग 60 करोड़, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी लोग राइट आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए से ये पंजाब, पंजाब जो है हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान के किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा जाना संभावित है दोस्तों, ठीक है। जो मैंने नोट्स रेकमेंड किया दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न वहाँ पर दिए गए हैं जो अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में आने वाले हैं 2019 में, तो नोट्स जरूर खरीदिए जो, तो 35 रुपये के लिए बिल्कुल संकोच न करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी से ये धारा 343 फर्स्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट भी है और कहा जाए तो ईजी भी है, सभी को पता होगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर फटाफट, जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर, हिंदी दिवस का मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, ब्रजभाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है, बताएं, ब्रजभाषा की पूछी जा रही है, किस उपभाषा वर्ग की बोली है ब्रजभाषा, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर फटाफट आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है ब्रज, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, कौन सी बोली पूर्वी की हिंदी की नहीं पूछा जा रहा है, बताएं, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर फटाफट आंसर करें ताकि वीडियो लंबी नहीं बने, 40 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी से ये दोस्तों भोजपुरी, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, भोजपुरी जो है वो पूर्वी हिंदी की नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है, कन्नौजी बोली जो है वो किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दें फटाफट, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी से पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, देखिए इनमें से किस देश में हिंदी भी बोली जाती है, ये बहुत अच्छा प्रश्न आया है, इनमें से किस देश में हिंदी भी बोली जाती है, बताएं, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी से फिजी, एक फिजी देश से यहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से हिंदी कहाँ बिल्कुल नहीं बोली जाती है, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, इनमें से हिंदी कहाँ बिल्कुल भी नहीं बोली जाती है, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर दीजिए, 15 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, रूस। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ देर किस बात का, वीडियो को अभी थम्सअप कीजिए और चैनल वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको भी बताइए कि यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कराया जाता है, एक्स्ट्रा चीज़ें नॉलेज शेयर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रूस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, देखिए मानक हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियाँ हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दीजिए फटाफट, मानक हिंदी की के अंतर्गत कितनी बोलियाँ हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी से ये खड़ी बोलियां, ठीक है, खड़ी बोली जो है सिर्फ। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर दीजिए,
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन सही है 5। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है। 18 का राइट आंसर दीजिए फटाफट। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, अवधी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए मैथिली किस वर्ग की बोली है बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दीजिए, मैथिली किस वर्ग की बोली है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बिहारी वर्ग की बोली है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा असत्य हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए हिंदी समग्र भारत में बोली समझी जाती है, ठीक है, ये आपका असत्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, ये शायद मैंने कल भी ये कराया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, 21 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए यहाँ पर सही दोस्तों, 18, ठीक है। कहीं कहीं 17 ऑप्शन में रहता है, 18 नहीं रहता है, बाकी 14, 15, 12 ही रहता है, तो आप 17 पिक कर देंगे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहीं कहीं 17, कहीं कहीं 18 भी है, ठीक है। तो 18 हो तो 18 लगाइए, 17 हो तो 17 लगाइए। 22 नंबर है, देखिए इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र में है बताएं। 22 का राइट आंसर दीजिए। जी हाँ, 22 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, झारखंड में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए हिंदी विश्व में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से किस स्थान पर आता है बताएं। क्वेश्चन नंबर 23, 23 का राइट आंसर दीजिए, हिंदी भाषा विश्व में बोलने वालों की संख्या में की दृष्टि से किस स्थान पर आता है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही, तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है। 24 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर दीजिए, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुजरात की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ग वर्ण हैं। इजी क्वेश्चन है, 25 का सही उत्तर दीजिए फटाफट, कभी कभी आ जाते हैं हलवे क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर, जी हाँ, बी बिल्कुल सही उत्तर है, 52। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। 26 का राइट आंसर दीजिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है। चारों कथन पढ़ें और बताएं कौन सा सत्य नहीं है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, ठीक है। शाह और शाह ये ऊष्म ध्वनियाँ हैं, ये आपका सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है बताएं। 27 का राइट आंसर, चार ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन सही है, देवनागरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। 28 का राइट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यहां पर सही है, भाग 17 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं है बताएं। 29 का राइट आंसर, 29 का राइट आंसर दीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चन वर्णमाला के आ रहे हैं, क्योंकि हिंदी भाषा और बोलियां में वर्णमाला भी आ जाएगा भाषा में आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी सही है, बा। ये अंतस्थ व्यंजन नहीं है, बाकी या, रा और वा भी होता है, वा और ला, ठीक है, तो बा नहीं होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन सी है बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर दीजिए, डी ऑप्शन सही है, ठीक है, ऊष्म ध्वनि है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है। 31 का राइट आंसर दे दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, ऋण, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है, ऋण को वर्णमाला में क्या माना गया है बताएं। 32 का राइट आंसर, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, श्योर माना गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, द्विगुण व्यंजन माना गया है, ठीक है, द्विगुण यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 है, देखिए देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। 33 का राइट आंसर सभी लोग देंगे, 33 नंबर का सही उत्तर,
जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर दे दीजिए फटाफट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर ब्राह्मी लिपि से माना गया है देवनागरी लिपि का विकास। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रभाषा हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? बताएं 34 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर दीजिए फटाफट। जी हाँ, 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, वह भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी वर्ग की नहीं है? 35 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर फटाफट सभी लोग देंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोंकणी। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 36 है, देखिए हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषा वर्ग है? बताएं क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर। आई होप आप सभी लोग कमेंट में आंसर कर रहे होंगे, और वीडियो के एंड में बताना कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही है 5। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से किस वर्ग में दा ध्वनि आएगी? बताएं क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर, किस वर्ग में आएगा दा ध्वनि? 37 का राइट आंसर दीजिए, क्या होगा सही? 37 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, दंतय में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कौन सी ध्वनि मूर्धन्य नहीं है? बताएं कौन सी ध्वनि मूर्धन्य नहीं है? 38 का राइट आंसर दे दीजिए फटाफट। का राइट आंसर डी ऑप्शन सही है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, ये आपका मूर्धन्य नहीं है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 39 है, मेवाती किस वर्ग की बोली है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर दीजिए। 39 का राइट आंसर, जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजस्थानी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40, और ये लास्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सीरीज में, हरियाणवी बोली का क्षेत्र क्या है? 40 का राइट आंसर देंगे, हरियाणवी बोली का क्षेत्र क्या है? और आप लोग बताएंगे 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं आपके, साथ ही साथ ये भी कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और नेक्स्ट जो आपका डेडिकेटेड वीडियो रहेगा कल शाम 4 बजे वाले में, उसमें कौन से चैप्टर से हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करें, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा, ताकि हमारा भी थोड़ा दिमाग काम करे कि आखिर क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बशर्ते मैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आता ही रहता हूँ ढूंढ ढूंढ के। फिलहाल आप भी कमेंट करके हमें सजेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और जो मैंने बुक रेकमेंड किया उसको जरूर खरीदें, 40 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हरियाणा। ठीक है, और यहाँ पर बुक के बारे में एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने दोस्तों नहीं लिया है तो मैं इस बुक को हाईली आप सभी को रिकमेंड करता हूँ, बहुत हेल्प करने वाली है दोस्तों, एक बार परचेस करके देखिए, बिल्कुल आपको पछतावा नहीं होगा इस बुक को खरीदने के बाद में। आप खुद कमेंट करके कहेंगे सर बहुत अच्छी बुक है, इसमें बहुत सारे कंटेंट उपयोगी हैं, GS GK हिंदी सभी चीज़ों के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं 4000 क्वेश्चन के सीरीज में, और साथ साथ मैथ रीजनिंग और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन अलग अलग से दिए गए हैं, प्रैक्टिस सेट भी है, हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल है, 675 पेज का है, कीमत मात्र 35 रुपये है, तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाए, जल्दी से नोट को खरीदें और अपनी पढ़ाई को अंतिम दिशा दीजिए। इसके बाद रात 8 बजे हमारे साथ जुड़ के समान हिंदी का कीजिए, और सुबह 11 बजे आज हमारा हुआ था समान ज्ञान का, इससे पहले कई सारे प्रैक्टिस और समान हिंदी समान ज्ञान के हो चुके हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया है, जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में सारे वीडियो देख सकते हैं, और आज रात हमारे साथ जुड़ के वीडियो को लाइव देख सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इस वीडियो का लाइक कम 500 रखा था उसको आप लोग जरूर कंप्लीट कीजिएगा, वीडियो को अभी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन रात 8 बजे।